डियर स्टूडेंट परिष्कार ऑनलाइन लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले इजी टॉपिक है, आपने टेंथ में एपी पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का ही आगे बड़ा रूप है। ये मान लो ये इसका बेस था, ये आगे इसका विस्तृत फॉर्म दी हुई है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि नंबर रिटन इन ए डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। मतलब नंबरों को एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हो तो वो क्या कहलाएगा, एक सीक्वेंस है। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, देखो डेफिनेट ऑर्डर है, मतलब इनको कह सकते हैं कि सभी में क्या है, 2, 2 का गैप है, या कह सकते हैं कि सभी क्या है, 2 से डिविजिबल है, या अपने ये लिख दें 1, 2, 3 इस तरह से, तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं ये लिखता हूँ 2, 6, 7, 8, तो ये एक सीक्वेंस नहीं बना, क्योंकि इसमें तो गैप कितने का आ गया, 4 का, लेकिन इसमें गैप कितने का आ गया, 1 का, तो एक डेफिनेट ऑर्डर नहीं बनाना, तो इसलिए ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस सीधी सी बात है कि डेफिनेट ऑर्डर में नंबरों को लिखा गया है तो वो क्या होगा, सीक्वेंस होगा, मतलब उसका कोई ना कोई मीनिंग या कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो क्या होगा, सीक्वेंस होगा। अब सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं कि जैसे पहला नंबर है तो उसको लिखेंगे A1 से, दूसरा नंबर है तो उसको लिखेंगे A2 से, तीसरा नंबर है तो उसको लिखेंगे A3 से, और चौथा नंबर है तो उसको लिखेंगे, इसी तरह से आगे कितने भी हो सकते हैं। और जर्नल फॉर्म में उसको लिखते हैं AN से, सीक्वेंस को जर्नल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, AN से, AN कितनी भी टर्म हो सकती है। अब सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 4 ही टर्म लिखी, कितनी टर्म है, 4 ही टर्म लिखी, तो इसका मतलब ये फाइनाइट सीक्वेंस है। अब जैसे इसको मैंने डैश डैश लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सीक्वेंस में इतना सही है कि अगर कोमा लगा के लिखा हो और डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हो तो वो एक सीक्वेंस होता है। दूसरा नाम है सीरीज, जैसे अपने पास लेट किया कि A1 A2 A3 A4 एक सीक्वेंस है, अगर इसी में प्लस लगा दिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कर दिया तो ये क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है, सीरीज। बस इतना ध्यान रखो कोमा लगा हुआ है तो सीक्वेंस है, और वैसे अगर प्लस लगा दिया तो क्या बन गई, एक सीरीज। बस सीक्वेंस और सीरीज में इतना ही है। जैसे अपने को उसने एक क्वेश्चन दे दिया कि AN इक्वल टू 2N प्लस 5, AN इक्वल टू 2N प्लस 5, तो सीक्वेंस बनाओ, तो सीक्वेंस बनाएंगे तो N इक्वल टू 1 पुट कर दो, N इक्वल टू 1 पुट करते ही क्या आ गया, A1 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 2 पुट कर दो, n इक्वल टू 2 पुट करते क्या आ जाएगा, A2 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा A2 इक्वल टू 4 प्लस 5, कितना आ गया 9, फिर n इक्वल टू 3 पुट कर दो, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5, तो A3 इक्वल टू आ गया 6 प्लस 5, n इक्वल टू 4 पुट कर दो, ऐसे एक और n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A4 2 इंटू 4 प्लस 5, तो कितना आ गया 8 प्लस 5, तो कितना आ गया 13। तो अब इसको लिख के देखते हैं, अपने लिख के देखते हैं A1 A2 A3 A4, A1 अपने पास आया था 7, A2 अपने पास आया था 9, A3 अपने पास आया था 11 और A4 अपने पास आया था
30। तो देखो सभी में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, दो दो का, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस में कि सीक्वेंस है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा आपको। तो सीक्वेंस सिंपल सी बात, किसी डेफिनेट ऑर्डर में नंबरों को लिखना क्या कहलाता है, एक सीक्वेंस कहलाता है। और इन्हीं के बीच प्लस लगा देते, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 या 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 कर देते तो क्या बन जाती, वो सीरीज बन जाती है। तो सीक्वेंस और सीरीज में इतना ही है। आगे जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, क्वेश्चन से पहले अपने इसके तीन टाइप पढ़ेंगे, तीन क्या कुल चार टाइप है इसके। एक तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस कितना टाइप है, एक तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका थोड़ा बहुत अपने टेंथ में पढ़ चुके हैं, टेंथ क्लास में थोड़ा बहुत इसका पढ़ चुके हैं। दूसरा है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीन मेन है और एक एक सभी का मिश्रण होता है, वो चौथा, वो आगे बाद में पढ़ेंगे अपने। तो कुल मिला के इसके चार टाइप पढ़ेंगे। तो आज अपने शुरुआत करते हैं एपी से। तो पहले मैं एक अद्धा सीक्वेंस का क्वेश्चन और करवा दूं, फिर आपको एपी के बारे में बताएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास है, ए एन इक्वल टू एन इंटू एन स्केयर माइनस फाइव अपॉन में फोर प्लस है, सॉरी, तो कह रहा है कि इसकी फर्स्ट चार टर्म या सीक्वेंस लिखो। तो एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, पहले एन इक्वल टू वन पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए वन इक्वल टू वन, ये हो जाएगा वन की स्केयर प्लस फाइव अपॉन में फोर। तो ये आ जाएगा, वन का तो कोई मतलब नहीं, वन प्लस फाइव अपॉन में फोर, तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन में फोर। दूसरा एन इक्वल टू टू पुट कर दो, एन इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ए टू टू इंटू टू की स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन में फोर, तो ये आ जाएगा ए टू टू इंटू टू की स्क्वायर फोर प्लस फाइव अपॉन में फोर, तो ये हो गया नाइन, टू इंटू नाइन अपॉन में फोर, तो ये हो गया एटीन अपॉन में फोर। फिर एन इक्वल टू थ्री पुट कर दो, एन इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए थ्री इक्वल टू थ्री इंटू थ्री की स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन में फोर, तो ये हो जाएगा ए थ्री थ्री इंटू थ्री की स्क्वायर नाइन प्लस फाइव अपॉन में फोर, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू फोर्टीन अपॉन में फोर, तो ये हो गया कितना, फोर्टी टू अपॉन में फोर। तो इसी तरह से आप एन इक्वल टू फोर रख के एक सीक्वेंस बना देना। उम्मीद आपको समझ आया होगा, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब अपने करते हैं एपी, सबसे पहला एपी मैंने आपको बताया, इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे अपने मेन रूप में, और चौथा है इनका मिश्रण सभी का, एपी जीपी और एचपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या होता है कि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ जाए तो उसको क्या कहते हैं,
एपी कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। जब भी कंजुगेटिव कोई भी 2 कंजुगेटिव नंबर के डिफरेंस सेम आ जाए या 2 लगातार नंबरों का डिफरेंस क्या हो बिल्कुल सेम हो तो क्या कहलाता है एपी। जैसे और भी हो सकता है जैसे 5, 11, 17, तो इसमें देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस 6 है, इन दोनों का डिफरेंस 6 है, तो इसका मतलब ये एपी है। और डिफरेंस को हमेशा डी से लिखते हैं, आपको पता ही है डिफरेंस को हमेशा डी से लिखते हैं। आप पढ़ के आ चुके हो इसमें एक तो nth टर्म फाइंड करनी और एक सम फाइंड करना। देखो अपने 10th में पढ़ा था ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक पढ़ा था एस एन, ये था nth टर्म का फॉर्मूला nth टर्म, और ये था सम ऑफ n टर्म। ये तो n टर्म का फॉर्मूला था और ये सम ऑफ n टर्म, ये था n अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, या इसी का ही एक और फॉर्म थी n अपॉन 2 ए प्लस एल। तो ये तीन फॉर्मूले अपने पढ़े थे वही सेम इसमें यूज होंगे और एक आधा अलग यूज होगा वो अपने आगे करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर एपी पर। एपी का मतलब पता लग गया होगा, किसी भी 2 लगातार नंबर का डिफरेंस बिल्कुल सेम हो तो वो क्या कहलाते हैं एपी। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन एपी एम टर्म इज एन एंड एंथ टर्म इज एम, और उसने लिखा है कि m नॉट इक्वल टू n, तो अपने को फाइंड करनी है फाइंड द p नंबर टर्म। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसने कहा है कि इफ ap में m नंबर टर्म क्या है n है और n नंबर टर्म क्या है m है, तो अपने को p नंबर टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म है, p नंबर। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला था अपने पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो कह रहा है कि एम नंबर टर्म, तो एन की जगह पर एम आ जाएगा, ए एम इक्वल टू कितना है एन कह रहा है वो, एम नंबर टर्म क्या है एन है, तो ए एम इक्वल टू एम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा वो करे कि एन नंबर टर्म है वो क्या है एम है, तो ए एन जो है वो किसके इक्वल है एम के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा एम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस टू, करने पर वन माइनस टू करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन
इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन माइनस एम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एम डी माइनस डी माइनस एन डी और माइनस माइनस प्लस डी इक्वल टू एन माइनस एम। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों में से डी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया एम माइनस एन डी इक्वल टू एन माइनस एम। तो d इक्वल टू क्या आ गया, n माइनस एम अपॉन में m माइनस एन। तो अगर नीचे से मैं m माइनस कॉमन ले रहे तो d की वैल्यू आ जाएगी, d इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस एन अपॉन में m माइनस एन, इससे ये कट गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। इधर समझ में आया होगा। सबसे पहले देख लो दोबारा कि अपने को ए पी पढ़ के आए हैं, उसकी n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वो कह रहा है कि इसकी m नंबर टर्म में है वो n है, तो m नंबर टर्म क्या है, n है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह पर m रख दिया, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, n। फिर दूसरे नंबर पर वो कह रहा है कि जो n नंबर टर्म में है वो क्या है, m है, तो दूसरे नंबर पर n नंबर टर्म क्या है, m है, तो ए एन का फॉर्मूला लिख दिया, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, d से d कट गया, दोनों में से d कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई वाली संख्या डिवाइड में, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, ये कट के d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। तो d की वैल्यू तो अपने पास है माइनस वन आ गई, वो यहाँ लिख लेते हैं। अब d की वैल्यू माइनस वन आई है तो a की वैल्यू भी चाहिए। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन। तो d की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो ये आ जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू एन, तो याद आएगा a मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m और माइनस माइनस प्लस का वन इक्वल टू एन, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन, तो ये a की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू आई है अपने पास माइनस वन और a की वैल्यू कितनी आई है, m प्लस एन माइनस वन। अपने को p नंबर टर्म चाहिए, तो ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन अपने को टर्म कौन सी चाहिए, p नंबर, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, p इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ए पी इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है m प्लस एन माइनस वन प्लस p माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन, तो ये आ जाएगा ए पी इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन, मल्टीप्लाई कर लो माइनस का p और माइनस माइनस प्लस का वन, प्लस वन से माइनस वन कट गया, तो ए पी आ जाएगा m प्लस एन माइनस पी, ये आ जाएगी ए पी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्वेश्चन।